पीसने के लिए चक्की पर चल रहे हैं। हाँ हजारों मौला ने खुद घाव
मोती से, यहाँ तक कि आटा तैयार किया। फिर मौला कहते हैं, ज़ैफा अब तो खुद रोटी पका, तब तक मैं बच्चों को पहनाता हूँ। अज़ादार मौला ने उस ज़ैफा के हाथ से बच्चे दे दिए, बच्चों के साथ बच्चों जैसा सलूक करने लगे, कभी दोष पर बिठाते थे, कभी पुश्त पर सवार करते थे। आज़ादार जब मौला बच्चों को बच्चों के साथ खेल चुके, तब तक के उसकी माँ ने रोटियां तैयार कर ली। अब माँ बच्चों को खाना लेकर बैठती है। आज़ादार मौला कहते हैं, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं यहाँ से चलूं। वो ज़ैफा कहती है, अगर जाना चाहते तो जाइए, लेकिन मुझे आपका एक नाम बता दीजिए। मौला कहते हैं, नाम जानते क्या काम है, मैं तो बस अपने मालिक की खुशनुदी के लिए तेरी ये खिदमत दे रहा हूँ। यही तो फर्क है कायनात में और मौलाए कायनात में। ये कायनात नाम कमाने के लिए काम करती है, और एक मौलाए कायनात है कि जो काम करने के बाद ये कह रहे हैं कि नाम से क्या काम है। अज़ादारो जब मौलाए कायनात ये खिदमत अंजाम दे चुके और जाने लगे, तो इत्तेफाक से उसकी पड़ोसन जो थी वो देख गई कि ये मौला इसके घर आए थे। लिहाजा दौड़ी हुई इस औरत के पास आई, तू जानती भी है कि तूने किससे ये खिदमत ली है, तुझे मालूम भी है कि तेरी ये खिदमत कौन अंजाम दे रहा था। वो कहती है, मुझे नहीं मालूम। तो वो पड़ोसन कहती है, जो तेरी ये खिदमत अंजाम दे रहा था वो कायनात का सुल्तान था, वो अमीर अरब था। जैसे ही उस औरत ने सुना, फौरन दौड़ी हुई गई, मौला के कदमों में आकर लिपट गई। मौला, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि आप मौला ए कायनात हो। अज़ादार मौला ने जैसे ही सुना, सहारा दिया, खड़ा किया, ए ज़ैफा तू इसका ख्याल न कर, अगर तुम मेरी खिदमत से खुश हुई है तो मेरे मालिक से दुआ करके वो अली से राजी हो जाए। मैं कहूंगा, या अली, आपको यतीमों और बेवाओं का इतना ख्याल, अरे जरा कर्बला के मैदान में आइए, आपकी सुनियत है जो शहादत हुसैन के बाद। अरे जब सकीना रोना चाहती है तो कभी शिव्र ताजिया मारता है, कभी मुंह का दरवाजे से कूफा और कूफे से शाम तक दरबदर सिराया गया, यहाँ तक के शाम के तंबू तारीख कैद खाने में कैद कर दिया गया। जब शाम होती थी सकीना दरे जिंदान से आती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। ज़ैनब जवाब देती थी, बेटी सकीना शाम हो रही है, ये परिंदे अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं, ये लोग अपने अपने वतन को जा रहे हैं। सकीना पूछती थी, फूफी अम्मा हमें वतन कब नसीब होगा, फूफी अम्मा हमें कब वतन नसीब होगा। लेकिन इस बच्ची की तमन्ना दिल में ही रह गई। एक शब वो भी आई कि सकीना ने बाप को ख्वाब में देखा, क्या देखा कि बाबा आए हैं, सकीना के साथ खेल रहे हैं। सकीना ख्वाब से बेदार हुई, फूफी अम्मा अभी अभी मेरा बाबा आया था, अभी अभी मुझे बहला रहा था, मेरा बाबा कहाँ चला गया। ज़ैनब समझ गई बच्ची ने बाप को ख्वाब में देखा, बच्ची तड़प तड़प कर रोने लगी। आज़ादारों ये रोने की आवाज यजीद के दरबार में पहुंची, यजीद की नींद में खलल हुई। यजीद ने सरे हुसैन सकीना को खामोश करने के लिए भेजा। हाँ, जब सरे हुसैन आ रहा था तो सकीना ये समझ रही थी शायद मुझे खामोश करने के लिए यजीद कुछ मेरे भेज रहा होगा। लेकिन जब सर कैद खाने में आया और कष्ट से सकीना ने रुमाल हटाया है, क्या देखा बाप का जख्मी सर। सकीना ने आगोश में बाप का सर लिया, ए बाबा, फरियाद करने लगी। अब फरियाद क्या करती है आप सुनना चाहेंगे तो वीर अनीस के झूले सुन लीजिए। अज़ादार सकीना फरियाद करती है, और जब फरियाद करती है तो ज़ैनब और उम्मे कुलसुम सुन रही होगी। अज़ादार मेरा दिल नहीं जानता कि अली की बेटियों पर क्या मुसीबत गुजरी होगी। अज़ादार रोकर लिया सकीना ने कुर्ते में शह का सर, रोकर लिया सकीना ने कुर्ते में शह का सर, मुंह रख के मुंह पे बाप के तरतीब बेबिदर फरियाद की के भूल गए हमको किस कदर। हाय हाय न तेरे जुल्म में बेटी की ली खबर, बेटी हुई खराबे में जा अपनी गोदी थी, शब्बर तड़प तड़प के मैं बाबा को।
अकीदा सो गई, लेकिन जब पूछते हैं बादशाह ना इलाया सकी महस हया के पानी से जहाने बाकी की तरफ परवास कर गई, कैदियों में एक नई मुसीबत आई। मुझे नहीं मालूम कि बीबियों ने किस तरह इस गम को बर्दाश्त किया होगा। एक छोटी सी कब्र कैद खाने में बनी, सैयद सज्जा अपने हथकड़ियों वाले हाथों से बहन का जनाजा उठाया। मैं कहूंगा या अली, एक जनाजा आपने भी मदीने में फातिमा का उठाया था, लेकिन जब आपने जनाजा उठाया था हाथों में हथकड़ियां न थी, पैरों में भेड़िया न थी, गले में तोप न था, कमर में लंगर न था। अरे जरा जिंदाने शाम में आइए, आपकी का पोता अली सादी है जो आपकी पोती सकीना का लाशा उठाए। जरा